हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कृष्णा महाजन। आज हम बनाएंगे आरती थाली। मैंने गणेश जी के लिए बनाई है। आप अगर चाहे तो दुर्गा पूजा, दीपावली, शिवरात्रि आदि पर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गुथा हुआ आटा। इसे मैंने लाल कलर और पीले कलर से गूंथ लिया है। और हमें चाहिए लाल कलर से रंगे हुए चावल। और फिर हम एक थाली ले लेंगे, उसे हम उल्टा करके उस पर येलो कलर के आटे से उसे हाथों की सहायता से पतले पतली लाइन बना लेंगे। और इसी प्रकार हम लाल कलर के आटे की भी एक लाइन सी बना लेंगे। फिर हम इन दोनों को एक साइड से ऐड देंगे, जिससे वो एक डिजाइन बन जाएगी। फिर हम इसे थाली में अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम येलो कलर का आटा लेकर उससे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। फिर हम इन गोलियों से एक थाली पर सुंदर सी डिजाइन बना लेंगे। मैंने तो यहाँ ओम की डिजाइन बनाई है। आप कुछ और भी बना सकते हैं। फ्लावर बना सकते हैं, सातिया बना सकते हैं। हमारी डिजाइन बनकर तैयार है। अब हम ईयरबड से इसमें रेड कलर की बिंदियां रख देंगे, जिससे हमारी डिजाइन और भी सुंदर लगने लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं और भी आगे सुंदर सुंदर वीडियो बना सकूं। बाद हम सुंदर सा दिया बना लेंगे, इसे राउंड राउंड कर लेंगे। फिर हम इसे नीचे से थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर हम इसे गौंट देंगे, जैसे हम पहले गुजिया गौंटते थे वैसे ही इसे गौंट लेना है। अब हमारा दिया बनकर तैयार है। अब थाली में जो जगह बची है उसमें हम रेड कलर के चावल डाल देंगे। और फिर हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। और फिर हमारी सुंदर सी थाली बनकर तैयार है। इसमें हम दिया रख देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।